हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज सुबह का जो मेरा रूटीन का काम है वो मैं ख़त्म करके फ्री होकर नहाकर बैठ गई हूँ। अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है कि मैं आप सबसे कुछ बात कर सकती हूँ। तो कल नमन के स्कूल में पेपर बैग मेकिंग सिखाई गई, बच्चों को पेपर के बैग बनाने सिखाए गए, ये एक्टिविटीज़ थी नमन के स्कूल में। तो नमन को मैंने ऐसा पेपर बैग दिया और ये रिबन, ये नमन घर से ही लेके गया था, तो उन्होंने ऐसा बैग उनको सब बच्चों को बनाना सिखाया। तो एक तो बात अच्छी है कि बच्चों को ये पेपर बैग्स बनाने आ गए। तो इस बैग्स में बच्चों की चॉकलेट्स, टॉफीज और चिप्स तो आ ही सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर इससे बड़ा बैग बनाना हो तो इससे बड़ा हम ले सकते हैं पेपर, तो हम बड़ा बैग भी बना सकते हैं। तो बच्चे ऐसे बैग अगर बच्चों को मिलेंगे तो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी से ऐसे बैग्स को लेकर जाएंगे मार्केट और अपनी शॉपिंग करके आ जाएंगे। और अगर हमें भी कुछ छोटी मोटी सी चीज़ मंगवानी होगी तो बच्चों को ऐसे बैग देंगे और बच्चे हमारे लिए भी शॉपिंग करके आ जाएंगे और बहुत ही मज़े से जाएंगे और मना भी नहीं करेंगे हमें नहीं जाना, क्योंकि उनको एक नई चीज़ मिलेगी हाथ में लेने के लिए। तो हम सबको चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को ऐसे बैग्स बनाने सिखाएं। तो ये थी एक्टिविटी पेपर बैग्स की। तो अब है कि मैंने आज बनाया है लंच में अरबी की सब्जी और घी का रायता। तो लंच की तैयारी तो मेरी हो गई है, तो अब मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड की वेट। वो जैसे ही आते हैं तो हम सब बैठकर लंच करते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम आज क्या कर रहे हैं सारा दिन। तो फिर चलिए। तो गाइस, लंच करने के बाद अब मैं बना रही हूँ खीर। तो ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, 1.5 लीटर दूध की मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि सावन चल रहा है तो सावन के मौसम में मैं खीर ज़रूर बनाती हूँ। आप सब भी बनाते होंगे अपने घर में। तो आज मेरा मन किया कि मैं आज खीर बनाऊँ। तो खीर की रेसिपी तो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं बनाने लगी हूँ। पर आज मैं हांडी में नहीं बना रही, मैं पैन में बना रही हूँ एक, और साथ में ही मैं एक तरफ बर्तन में पानी गर्म करके उसमें बादाम थोड़े से भिगो दूंगी, ताकि जो इसके ऊपर का छिलका है वो जल्दी से निकल जाए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही डाल दूंगी तो वो थोड़े से कच्चे हो जाते हैं तो वो उसका टेस्ट नहीं आता वैसा। तो ऐसे अगर मैं थोड़ा सा भिगो कर गर्म पानी में, तो ईज़िली ये देखो मैं अब पानी निकाल रही हूँ इसका, तो ईज़िली ये निकल जाएगा इसका ऊपर का छिलका। इसका मैं ऊपर का छिलका निकाल दूंगी और फिर मैं इसको खीर के अंदर डाल दूंगी। बादाम को छीलते छीलते मेरा एक तरफ ध्यान था दूध की तरफ। मेरे को ये था कि जैसे ही दूध में बॉयल आता है तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। तो मैं जैसे ही दूध को देखती हूँ कि दूध धीरे धीरे से फटना स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, जो बादाम छिल रही थी वो मैंने रखे साइड पर और मैं दूध को देखने लग गई। तो दूध देखिए कि ये सारा ही फट गया, ये दूध का पनीर बन गया एकदम से ही। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं दूध का तो बनाने लगी थी खीर, पर ये तो सारी पनीर बन गया, अब मैं क्या करूं, मैंने तो खीर बनानी थी। फिर मैंने अपने दूध वाले भैया को फ़ोन किया, तो मैंने उनको बोला कि भैया, मैंने जैसे ही दूध को रखा बॉयल करने के लिए तो दूध तो सारा फट गया। तो दूध वाले भैया का रिप्लाई देखो मुझे क्या आया, वो मुझे बोलते हैं, मैडम फिर क्या हुआ, 5 बजे से निकाला होता है सुबह से, तो वो दूध गर्मियों में कभी कभी फट ही जाता है। तो मैंने उनको बोला, भैया ये तो कोई रिप्लाई नहीं हुआ, एक बार आगे भी थोड़े दिन पहले ऐसे ही दूध फट गया है, तो मैं तो खीर बनाने लगी थी बड़े मज़े से, पर दूध फट गया, अब मैं क्या करूँ। तो वो बोलते, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो मार्केट से ले आओ। तो अब क्या कर सकते थे। तो फिर मैंने फ्रिज में से और दूध निकाला और मैं लग गई फिर से खीर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि आज मैंने खीर बनानी ही है। मेरा आज पूरा मन था कि मैं आज खीर बनाऊं। तो देखें ये दूध में बॉयल भी आ गया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। तो खीर की रेसिपी तो सारी वही है जो मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ इसमें खीर। मेरे पास दूध एक्स्ट्रा होता ही है, मैं दूध की कोई कमी आने नहीं देती अपने घर में। तो मैं चल पड़ी अब इस दूध के साथ खीर बनाने के लिए। तो फटाफट से अब हम इसी दूध से बनाते हैं खीर। देखें
फाइनली मेरी जो खीर है ये बनकर तैयार हो गई है। अब मैं करने लगी हूँ गैस का फ्लेम बंद और इसको ऐसे ही पतीले में छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर। कपड़े जो मैंने सूखने के लिए स्टैंड पर डाले थे मैंने उनको फटाफट से उतारा और देखा कि आसमान में बहुत ही बादल छा गए हैं चारों तरफ से एकदम से ही। पहले इतनी तीखी वाली धूप निकली हुई थी और अब एकदम से ही सारी तरफ बादल आ गए। ये देखें आप, धूप भी है और बादल भी है चारों तरफ और एकदम से ही हवा भी स्टार्ट हो गई। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और साथ में ही धीरे धीरे करके बारिश स्टार्ट हो गई। पहले बूंदाबांदी हुई फिर एकदम से तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं आ गई अब नीचे। तो ये देखिए मेरी खीर भी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में। अब मैं ये बाउल को रखने लगी हूँ फ्रिज में। इसको अच्छे से ठंडा करके मैं रात को सर्व करूँगी और हम तीनों मिलकर इसको इंजॉय करेंगे। अब मैं रखने लगी हूँ इसको फ्रिज में। तो ये देखिए शाम के टाइम वेदर और भी सुंदर बन गया और मैं और नमन दोनों आ गए ऊपर छत पर ये व्यू का नज़ारा देखने के लिए। तो ये वेदर इतना सुंदर लग रहा था कि बहुत मज़ा आ रहा था हमें छत पर। तो हम ऐसे ही छत पर टहलने लग गए चारों तरफ से और नज़ारा लेने लग गए। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू बना हुआ है हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये खुला एरिया है तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वेदर लगने लग जाता है। व्यू बहुत सुंदर बन जाता है जब ऐसा होता है। ये देखिए सामने से बिजली भी चमक रही है। तो मैं और नमन हम दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ऊपर छत पर इस वेदर का। तो देखिए कितना सुंदर व्यू बना हुआ है। साथ में हमारे नेबर भी थे, वो भी छत पर आ गए तो हम दोनों बातें करने लगे इधर उधर की। तो ये देखें कितना सुंदर वेदर है। तो मज़ा इतना आ रहा था, हमें मन नहीं कर रहा था कि हमारा नीचे आने का। देखो कितनी हवा भी कितनी सुंदर चल रही है। तो इस मौसम में तो हमें यही चाहिए होता है कि ऐसी ठंडी ठंडी हवा चले और ऐसा व्यू बना हो, तो कितना मज़ा आता है। ऐसे वेदर में तो खाने पीने का भी बहुत ही अलग मज़ा है। तो हम ऐसे ही इंजॉय करते करते आ गए नीचे। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे और मार्केट से ले आए हैं हमारे लिए बर्गर और रैप। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आज डिनर फिर ना बनाना, मैं लेके आ रहा हूँ बाहर से। तो ये देखिए हम बर्गर और रैप लेके आए हैं। तो मैं डाल रही हूँ प्लेट्स में बर्गर और रैप। तो हमारा डिनर तो आज यही हो गया, तो हम यही आज डिनर करेंगे तो हमारा डिनर हो जाएगा कंप्लीट। वैसे भी आज सैटरडे नाइट है तो सैटरडे नाइट तो हम वैसे भी लेट सोते हैं क्योंकि हम रात को मूवीज़ देखते हैं। तो हम मूवीज़ देखते देखते रात को लेट हो जाते हैं और हमें होता है कि कुछ ना कुछ हमें खाने को मिलता जाए। तो ये देखें बर्गर और साथ में मैंने मोजिटो बना लिया है। ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तो हम इसको इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए हमारा रैप। तो रैप खाकर अब हम कर रहे हैं खीर इंजॉय। अब आरी आ गई खीर की। तो इस खीर के साथ ही मैं ये ब्लॉग को करने लगी हूँ एंड। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।